नमस्कार दर्शकों, आरवाइस डिजिटल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज के मुख्य ताजा खबरों की तरफ। उत्तर बंगाल विकास प्राधिकरण NBDD के आर्थिक सहयोग से अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा के प्राचीन हाट के जीर्णोद्धार का काम लॉकडाउन से पहले शुरू किया गया था, पर कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण हाट का जीर्णोद्धार कार्य बीच में रुक गया। केंद्र सरकार द्वारा जून महीने से अनलॉक की घोषणा के बाद से ही हाट का जीर्णोद्धार कार्य दोबारा शुरू किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर बंगाल विकास प्राधिकरण की ओर से 100 से भी अधिक साल पुराने इस हाट के जीर्णोद्धार के लिए पहले चरण में 8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इधर सोमवार को उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने हाट के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लेते हुए बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 साल के भीतर ही हाट के जीर्णोद्धार के पहले चरण का काम समाप्त हो जाएगा। हमरा शुरू कर लॉकडाउन के कारण यहाँ पिछले गए आबार जोरकदमे काज शुरू हो माननीय मुख्यमंत्री फालाकाटार उन्नयनर जो विशेष भावे हमें निर्देश दिए से निर्देश अनुजाई हमें काज करछि एवं अनेक कयेकटा ब्रिजेरो काज हमें धरा रही है। दुर्भाग्य हमें जो लॉकडाउनर कारण काजगुलो शुरू ही करते कतगुलो काज शुरू करते उन्नयन चलते उन्नयन चलबे মমতা ব্যানার্জির निर्देशे तार ही अनुप्रेरणा हमें उन्नयनमूलक काजगुलो सारा उत्तरबंगे करछि। तार साथे फालाकाटा एक आलदा गुरुत्वपूर्ण जैगा जैगाटार सार्विक उन्नयने एवं एटाके एक मडल এরই হিসেবে তুলে ধরতে আমাদের বিশেষ বিশেষ কাজগুলো আমরা হাত দিয়েছি। কবে নাগাদ পাবে ফালাকাটার মানুষ? টাইম লাগবে, এই তো লকডাউনে দেখছেন তো বন্ধ হয়েছিল, এটা আরও বছরখানেক এটা লাগবে। আর স্টেডিয়ামটা আমার মনে হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে আমরা হ্যান্ডওভার পেয়ে যেতে পারি। লকডাউনের জন্যই এই দেরিটা হলো, বিলম্বটা হলো, কিছু করার নাই। এখন আবার কাজ শুরু হয়েছে, তো যত দ্রুত সম্ভব আমরা কাজগুলো কমপ্লিট করতে চাইছি। जलपाईगुड़ी मौसम विभाग सूत्रों के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर बंगाल से ही पड़ोसी राज्य सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बंगाल के विभिन्न जिले में अगले 24 घंटे तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। पंजाब से लेकर बंगाल के खाड़ी तक बने निम्न दबाव के कारण से इस इलाके में भारी बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। जलपाईगुड़ी मौसम विभाग के अधिकारी रणवेंद्र सरकार ने बताया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा व इसके आसपास के इलाके में निम्न दबाव देखा जा रहा है। इसी वजह से उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश होने की संभावनाएँ हैं। দেখুন, একটা নিম্নচাপ অক্ষরেখা পাঞ্জাব থেকে নর্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল পর্যন্ত আছে, আর একটা আছে উড়িষ্যা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিম্নচাপ আছে, মানে ঘূর্ণাবর্ত আছে। তার জেরে আগামী 24 ঘন্টায় মানে মেঘলা আকাশ এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায়। সিকিম উত্তরবঙ্গ একসাথেই হয় আমাদের এখানে বৃষ্টি, আমাদের ফোরকাস্টটা সিকিম এবং উত্তরবঙ্গ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। হ্যাঁ, ভারী বৃষ্টি, ভারী বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায়, আর নর্মালি মেঘলা আকাশ থাকবে। ओल्ड मालदा शहर के रियासी इलाके के मशहूर पालपाड़ा इलाके में हाल ही में दिल्ली से लौटे एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पैसे से स्वर्णकार यह युवक 13 दिन पहले ओल्ड मालदा के 19 नंबर वार्ड के पालपाड़ा इलाके में अपने घर पहुंचा था। यहां लौटते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसे सैंपल दिए गए। सोमवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जाने के बाद उसे मालदा नारायणपुर इलाके में स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इसके साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ओल्ड मालदा नगर पालिका के सबसे जानबाहुल इलाके के रूप में जाने वाले पालपाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मामले के सामने आने से यह प्रशासन की ओर से इस इलाके को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया है। पॉजिटिव भाई है छोटो भाई কোথায় থাকতো ওই দিল্লিতে থাকতো কি করতে ওখানে ওই জুয়েলারির কাজ করতে দিল্লিতে কতদিন হলো আছে ওর কালকে 14 দিন হবে আজকে 13 দিন হয়েছে ও কি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিল একদম পুরোপুরি সেপারেট আমাদের থেকে আমরা যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এবং ডেইলি স্যানিটাইজ করে ওর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে আমরা বাড়িতে ছিলাম কিন্তু কিভাবে কি হলো আমরা এখন বুঝতে পারছি কবে রিপোর্ট আসলো রিপোর্ট এই তো আজকে সকালে আর লালা টেস্ট কোথায় হয়েছে 19 তারিখে মালদা সদর হাসপাতালে গিয়ে ওই লালা দিয়েছিল আচ্ছা এখন কি আপনাদের সব মানে সপরিবারকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা তো স্যাররা বলছে যে যেতে হবে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে বাড়িতে থাকি সেপারেট থাকবো তো স্যাররা বলছে না যেতেই হবে উপায় নেই এখন যেতে হবে বলছে কজন আপনার পরিবার আমরা চারজন বাবা মা আর আমরা দু ভাই আপনার নাম আমার নাম মিলন কুমার পাল গেটটা ধরবে না সোজা উঠে যাবে গেট লাগাবি না